ममनून कौम आज 23वें कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को पेश कर रही है खराज अकीदत। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस को करार दिया हमारे मुसलह फौज की बहादुरी और मजबूत कुव्वत आरादी की अलामत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुसलह फौज की बहादुरी, हौसला मंदी और कुर्बानी को पेश किया सलाम। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी का अमल आज होगा शुरू, 4 कंपनियां दौड़ में शामिल। मौजूदा 4G खिदमत के मुकाबले में 5G खिदमत होंगी तकरीबन 10 गुनी तेज। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अहम कामकाज फहरिस्त बंद। राज्यसभा में वजीर खारजा एस जयशंकर कत्लेआम के हथियारों से मुतालिक बिल 2022 पर बहस का देंगे जवाब। दूसरी तरफ लोकसभा में फैमिली कोर्ट तरमीमी बिल 2022 फहरिस्त बंद। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज दूसरी मरतबा करेगा पूछताछ। इससे कबल ईडी ने 21 जुलाई को सोनिया गांधी से की थी पूछताछ। मगरबी बंगाल के टीचर भर्ती घपले में गिरफ्तार ममता हुकूमत के वजीर पार्थ चटर्जी को 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। पार्थ चटर्जी के मुआविन अर्पिता मुखर्जी भी हिरासत में। सावन की शिवरात्रि आज, भगवान शंकर पर चला जलाभिषेक के साथ आज कांवड़ यात्रा होगी खत्म। हरिद्वार समेत मजहबी मकामात पर कांवड़ियों का लगा तांता। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुल्क आज कारगिल विजय दिवस की 23वीं सालगिरह मना रहा है। सन 1999 में तकरीबन 60 दिन तक चली कारगिल जंग में भारत के बहादुर जवानों ने अपनी बहादुरी से फतह की बेमिसाल तारीख रकम की थी। वो तारीख 26 जुलाई 1999 है। 26 जुलाई 1999 का दिन भारतीय फौज के इम्तहान में सुनहरे अल्फाज से तहरीर है। इसी दिन भारत ने दुनिया की सबसे मुश्किल जंगों में से एक कारगिल जंग में जीत हासिल की थी। भारत और पाकिस्तान की फौजों के दरमियान सन 1999 में कारगिल जंग हुई थी। और आइए बराह रास्त चलते हैं वॉर मेमोरियल, जहां पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह खराज अकीदत पेश कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर शहीद जवानों को। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल जंग के शहीदों को वॉर मेमोरियल पर खराज अकीदत पेश किया। कारगिल जंगी यादगार दराज में मौजूद हमारे नुमाइंदे ओपी दास की 23वीं कारगिल विजय दिवस पर खास रिपोर्ट पेश है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कारगिल युद्ध स्मारक पे द्रास में,
और आज का मौका बेहद खास, 23 साल पूरे हो रहे हैं कारगिल युद्ध को, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो कारगिल मेमोरियल है, यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। तमाम पूरा देश अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज उन वीरों को दे रहा है जो आज से 23 साल पहले जिन्होंने इसी जमीन पर अपने जानों की कुर्बानी दी, सर्वोच्च बलिदान दिया। यह आप देख सकते हैं तोलोलिंग पर्वत और उसके नीचे स्थित ये द्रास कारगिल युद्ध स्मारक। खास बात यह है कि आज यहाँ पे मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा हम जानते हैं दिल्ली में भी जो राष्ट्रीय समर स्मारक है वहाँ भी रक्षा मंत्री अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और यहाँ पे जीओसी नॉर्दर्न कमांड यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि यहाँ मौसम बेहद ही ओवरकास्ट हो रहा है, लेकिन जो जोश है उसमें कोई कमी नहीं है। पूरा देश याद कर रहा है, और ख़ासकर इस ज़मीन पर जहाँ आज से 23 साल पहले ज़बरदस्त युद्ध लड़ा गया, जहाँ 500 से ज़्यादा वीरों ने अपनी शहादत दी, और इसीलिए पूरा देश आज ये कह रहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कैमरामैन सुमित नौटियाल के साथ में ओम प्रकाश दास, द्रास से कारगिल युद्ध मेमोरियल। और सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, कारगिल विजय दिवस हमारे मुसलह अफवाज की गैर मामूली बहादुरी, ताकत और अज़्म की अलामत है। भारत माता की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले सभी बहादुर फौजियों को मैं सलाम करती हूँ। मुल्क के सभी शहरी उनके अहले खाना के तई हमेशा मकरूज रहेंगे। जय हिंद। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी कारगिल विजय दिवस पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, कारगिल विजय दिवस पर हमारी मुसलह अफवाज की बहादुरी, हिम्मत और कुर्बानी को मुल्क सलाम करता है। उन्होंने हमारी मादर वतन की हिफाजत के लिए इंतहाई सख्त हालात में बहादुरी से मुकाबला किया है। उनकी बहादुरी और बेमिसाल जज्बा भारत की तारीख में हमेशा दर्ज रहेगा। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अहम कामकाज फहरिस्त में शामिल है। राज्यसभा में वजीर खारजा एस जयशंकर बड़े पैमाने पर कत्लेआम के हथियार बिल 2022 का जवाब देंगे। वहीं लोकसभा में फैमिली कोर्ट तरमीमी बिल 2022 फहरिस्त में शामिल है। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अपोजिशन जमातों का हंगामा भी जारी है। ऐवान में तख्तियां लाने के सबब और बार बार इंतबाह के बावजूद नहीं मानने वाले चार मेंबरान पार्लियामेंट को कल लोकसभा से इजलास से बाकी मानदा दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। और नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी से दोबारा पूछताछ करेगा। इससे कबल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमेरात को सोनिया गांधी से 2 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। अगली खबर मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल के टीचर भर्ती घपला में गिरफ्तार वजीर पार्थ चटर्जी और उनके माविन अर्पिता मुखर्जी को खसूसी अदालत ने 3 अगस्त तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में भेज दिया है। ईडी ने पीर को खसूसी अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें पूछगछ के लिए दोनों को उसकी तहवील में देने की दरख्वास्त की गई थी। ईडी ने अदालत से पार्थ चटर्जी की 14 दिन और अर्पिता मुखर्जी की 13 दिन की तहवील मांगी थी। ईडी ने अदालत में इस बात का जिक्र किया कि भुवनेश्वर एम्स ने पार्थ चटर्जी की जाँच के बाद कहा है कि उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। इससे कबल उन्हें बीमारी की शिकायत के बाद कोलकाता के सरकारी SSKM अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिसकी वजह से उनकी पूछताछ नहीं हो सकी। अदालत में पेश की गई भुवनेश्वर एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि पार्थ का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की सतह ठीक है। अग्निवीर SSR दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गया है। दरख्वास्तों की कुल तादाद 4,760 है। इनमें 30,118 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा अग्निवीर MR दाखिले के लिए भी दरख्वास्त देने का अमल शुरू हो गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 25 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके लिए आपको भारतीय बहरिया की वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर रजिस्टर करना होगा।
नाज़रीन, आज सावन की शिवरात्रि है। शिवरात्रि के इस पुरमसरत मौके पर सभी कांवड़िए शिव मंदिरों में जल अभिषेक कर रहे हैं। सावन की इस शिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सभी शिव मंदिरों में कायम शिवालयों को शानदार तरीके से सजाया गया है। कांवड़ यात्रा आज भगवान शंकर पर जल अभिषेक के साथ ख़त्म हो जाएगी। सावन का मुकद्दस महीना 14 जुलाई से शुरू हुआ है। सुबह से ही हरिद्वार समेत कई मजहबी मकामात पर अकीदत का सैलाब उमड़ आया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फ़िरक़े वाराना हम आहंगी के एक शो में मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों ने कांवड़ियों पर फूल बरसा के उनका इस्तकबाल किया। कांवड़ियों को फल भी पेश किए गए। और सावन माह की कांवड़ यात्रा 12वें दिन अपने उरूज पर रही। न सिर्फ हरिद्वार शहर बल्कि इसके बाहर भी कई किलोमीटर दूर तक ज़ाफ़रानी रंग ही नज़र आया। हरिद्वार के ज़िला मजिस्ट्रेट विनय शंकर पांडे का कहना है कि पीर को कांवड़ियों की कुल तादाद 3,05,00,000 थी। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आने वालों से जाने वाले कांवड़ियों की तादाद ज़्यादा है। पीर को 70,00,000 शिव भक्त हरिद्वार पहुँचे। कल शाम तक का जो आंकड़ा था वो 3,05,00,000 हो चुके थे और आज का जो आंकड़ा है वो लेट इवनिंग करीब 7 बजे तक हमको मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जाने वालों की संख्या ज़्यादा है और आने वालों की अपेक्षाकृत कम है। कल तकरीबन 70,00,000 के आसपास लोग आए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी करीब 50 के आसपास लोगों का आगमन हुआ है, लेकिन निकल काफ़ी लोग रहे हैं और कुल मिलाकर अभी तक की व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल। काफ़ी लोकल आसपास के ज़िले जो हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और हरिद्वार के लोकल जो तहसील क्षेत्र के लोग हैं वो भी आएंगे, तो ये आंकड़ा मुझे लगता है कि लगभग 4.25 से 4 करोड़ के आसपास टच करना चाहिए। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क के शहरियों को सावन माह की शिवरात्रि की मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, सभी को सावन माह की शिवरात्रि की मुबारकबाद। भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी मेहरबानी बरकरार रखें। हर हर महादेव। मानसून की बारिश के बायस मुल्क के तमाम हिस्सों में नदी नालों में तुगयानी है। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासर हुआ है। इस दौरान पानी के बहाव के साथ बहती हुई कारें नजर आईं। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि गाड़ी पत्ते की तरह बहती चली गई। सैलाब जैसी सूरत हाल से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म पूर्वोदय की बात करते हैं तो उड़ीसा भी इस पूर्वोदय में आता है। उड़ीसा को कबायली समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू की शक्ल में सदर के ओहदे का एजाज़ मिला है। ये कहना है भारत के वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का। डीडी न्यूज़ के साथ एक ख़ास बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के सदर के ओहदे पर फायज होने ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी पूरे समाज की नुमाइंदगी करती है। हमारे नामा निगार राजेश राज ने हलफ लेने के बाद वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से खसूसी बातचीत की। 25 जुलाई 2022 इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन देश को एक जनजातीय समाज से आने वाली, वंचित समाज से आने वाली राष्ट्रपति मिली हैं द्रौपदी मुर्मू के रूप में। और उड़ीसा के जनजातीय इलाकों से वो रायसीना हिल तक पहुंची हैं, यानी रायरंगपुर से रायसीना हिल्स का सफ़र कैसा रहा उनके लिए, हम बात करेंगे उड़ीसा के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से। कैसा रहा ये रायरंगपुर से रायसीना हिल्स का सफ़र? उड़ीसा के लिए गर्व की बात है, पूर्वी भारत के लिए भी गर्व की बात। 75 साल लग गया रायरंगपुर से रायसीना हिल्स, ये अच्छा कैप्शन आप लोगों ने बनाई है। आज प्रजातंत्र की, गणतंत्र की विजय हुई है। 75 साल के बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी अवसर पर देश की सामान्य तबके की, गरीब तबके से आई हुई एक आदिवासी परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति जी की दायित्व संभाले, ये सच में देश की जनता की विजय है। एक ज़माना था जब भारतीय जनता पार्टी पर
एक खास वर्ग की पार्टी होने के आरोप लगते थे। आज देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, राष्ट्रपति आदिवासी समाज से, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप जैसे 26 से ज़्यादा ओबीसी मंत्री, लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मन और मिजाज है उसको ए टू जेड कर दिया है, अब किसी खास वर्ग की पार्टी नहीं रही। देखिए, तो प्रतिद्वंदियों की आरोप था, बात कभी भी सही नहीं था। हम सभी के बारे में चिंता करने वाले लोग हैं, समाज की सभी वर्गों की, विशेष करके 14 में उन्होंने ये भी कहा था, मेरे सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित रहेगा। इसलिए हमारी सदैव सिद्धांत और फिलोसफी सर्व समाज के विकास के लिए रहा है। प्रतिद्वंदियों ने अपने फायदे के लिए अपना अपना समय में इसको इंटरप्रेट किया है। आज हमें खुशी है द्रौपदी जी जैसे व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बने। संसद में जय जगन्नाथ का नारा भी लग रहा था जब राष्ट्रपति जी अपना ओथ ले रही थी। देखिए, भगवान महाप्रभु जगन्नाथ को दुनिया के भगवान माना जाता है, जगत के नाथ है, इसलिए जय जगन्नाथ उनको कहा जाता है। आज हमें उड़िया होने के नाते और देश की इस प्रकार की जब श्रद्धा केंद्र के बारे में पार्लियामेंट में नारा गूंजती है, जय जगन्नाथ की नारा गूंजती है, तब स्वाभाविक रूप में उड़िया के नाते हमें गर्व लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कहते हैं कि उड़ीसा को राष्ट्रपति मिला है, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पूर्वोदय की बात करते हैं तो उड़ीसा, बिहार समेत जो अनेक राज्य हैं उसमें कड़ी का काम करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के काबिज होने से उड़ीसा समेत पूरे देश भर में खुशी की लहर है। कैमरामैन अजीत के साथ राजेश का टेली न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब नज़र डालेंगे आलमी खबरों पर। श्रीलंका में सदारती दफ्तर कल दोबारा से खोल दिया गया है। मुल्क में माशी बुहरान की सूरत हाल से नाराज मुजाहिरीन ने रवा माह के अवाइल में सदारती दफ्तर में दाखिल होकर इस पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान फिर से यहां काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही श्रीलंका में सरकारी स्कूल भी कल से दोबारा खुल गए हैं। मुल्क की वजारत तालीम ने कहा है कि स्कूल में फिजिकल क्लासेज अगले नोटिस तक सिर्फ पीर, मंगल और जुमे को होंगी, जबकि बुध और जुमेरात को स्कूलों में ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। और इस बीच बरतानिया में वजीर आजम बोरिस जॉनसन की जगह लेने वाले आखिरी दो उम्मीदवारों ने पीर को टेलीविजन पर मुबाहिसे में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के टैक्स और अखराजात के मंसूबों पर बहस की। कंजर्वेटिव पार्टी की क्यादत के इंतखाबात जीतने के लिए बुकमेकर्स की पसंदीदा सेक्रेटरी खारजा लिस्ट्रस ने साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनक को बताया कि हुकूमत की किताबों को मुतवाजन करने पर उनका जोर मईशत कसाद बाजारी की तरफ ले जाएगा। दूसरी जानब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ऋषि सुनक का कहना था कि टैक्सों में कमी का मंसूबा मईशत के लिए घबराहट के सिवा कुछ नहीं, जिसके बुरे नतीज बरामद होंगे। सुनक ने इस माह के शुरू में हुकूमत से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बोरिस जॉनसन कमज़ोर पड़ गए। मुल्क के बहरे अस्वद बंदरगाहों से यूक्रेन के अनाज की बरामदात करने वाला पहला जहाज कुछ ही दिनों में आगे बढ़ सकता है। अक्वामे मुत्तहदा के तर्जमान फरहान हक ने बताया कि यूक्रेन, रूस, तुर्की और अक्वामे मुत्तहदा के दरमियान इत्तफाक़ राय के तहत बरामदात वाले बहरी जहाज को कुछ दिनों के अंदर मुंतकिल किया जा सकता है। तर्जमान ने कहा कि एक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन सेंटर जहाज रानी की सनत के साथ रबता करेगा और मुस्तकबिल करीब में जहाज़ों के लिए तफसीली तरीक़ेकार शाय करेगा। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है मुल्क की पनफरी सदर द्रौपदी मुर्मू की हलफबरदारी। द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के 15वें सदर जमहूरिया की हैसियत से हलफ लिया है। मुल्क के नौजवानों के जोश व जज्बे और ख़ुद एतमादी पर एतमाद का इजहार किया है और नौजवान नस्ल की कोशिशों में भरपूर साथ देने के अज़्म को दोहराया है। इसके अलावा जो अगली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, ये है लोकसभा के 4 कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट पूरे इजलास के लिए मुअत्तल कर दिए गए हैं। लोकसभा में ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने के लिए इन अरकान को मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया है। अगली खबर भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है किसी शख्स या पार्टी की मुखालफत को मुल्क की मुखालफत में ना बदला जाए, वज़ीर आज़म
नरेंद्र मोदी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी सियासी जमातों से अपील की है कि वो किसी शख्स या पार्टी के तहत अपनी मुखालफत को उस हद तक आगे ना ले जाएं जिसकी वजह से मुल्क की मुखालफत में तब्दील हो जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे समाज की तरफ। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने के खिलाफ अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट में वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाज से इनकार कर दिया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अखबार मशरक की यह खबर है कि शिवसेना के इंतखाबी निशान का तनाज़ा अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जिसमें शिवसेना के दोनों धर जो हैं, दोनों ग्रुप हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबी निशान पर उनका हक है। तो नाज़रीन, आज के अखबारात में बस इतना ही, आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। हकीकी ज़िंदगी का हीरो जाधव मलाई पाएंग। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता जाधव पाएंग ने अकेले ही असम के माजौली जजीर में पूरा जंगल तैयार किया है। हमारे मुल्क के लिए बेहद फख्र की बात है कि उसने एक माहौलियाती कारकुन को जन्म दिया है जो एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम कर रहा है जहाँ इंसानियत और फितरी हम आहंगी में रहा जा सके। मैं अपनी आखिरी सांस तक पौधा लगाऊंगा, ये ख्यालात हैं माहौलियाती कारकुन पद्मश्री जाधव मलाई पाएंग के। अपनी मुहिम एक दिन एक दरख्त के जरिए उन्होंने हर रोज एक दरख्त लगाया और NYC सेंट्रल पार्क से बड़ा जंगल बनाकर तैयार कर दिया। एक दिन एक पेड़ मुहिम के जरिए मैंने लगभग हर दिन पेड़ लगाया। आज 40 सालों के बाद मेरा यह जंगल 1390 एकड़ में फैल चुका है। मैंने ठानी है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक पेड़ लगाऊंगा। दर हकीकत 16 साल की उम्र में आसाम में एक पसमानदा कबायली बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक गरीब किसान और भैंसों के ताजिर के बेटे जाधव मलाई पाएंग ने सैकड़ों मुर्दा सांपों का मुशाहिदा किया जो कि भारत में दरियाए ब्रह्मपुत्र में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा दरियाई जजीरा माजौली रिजर्व में एक बड़ी खुशकसाली का शिकार थे। इतनी छोटी उम्र में भी उन्हें पता था कि किसी के लिए कुछ करना है, इसलिए 1979 में 16 साल की उम्र में उन्होंने बंजर मिट्टी में एक दिन में एक पौधा लगाना शुरू कर दिया। अब 40 साल से जायद अरसे बाद उनका जंगल 1390 एकड़ पर मोहित है जो तकरीबन 15 फुटबॉल स्टेडियम के साइज का है। जाधव ने अपनी तमाम तर तवज्जो जंगल पर मरकूज करने के लिए अपनी रस्मी तालीम को भी छोड़ दिया। इसके लिए पाएंग ने बांस लगाकर शुरुआत की और फिर दूसरे पौधा लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनका जंगल घना होता गया उसी तरह रहायशियों की तादाद भी बढ़ती गई। जल्द ही ये जंगल सैकड़ों अकसाम के परिंदों, हिरन, गैंडे और शेरों के साथ और यहाँ तक कि हाथियों का एक झुंड भी साल में 3 महीने इस जंगल में रहता था। जाधव पाएंग का ख्याल है कि इस कुरह अर्ज पर मौजूद इंसानों समेत सब हैवान हैं और ये की कफायतशियारी और फितरत का एहतराम हमारे वजूद की कुंजी हैं। पाएंग को उनकी माहौलियाती सरगर्मी और हर रोज एक दरख्त लगाने के एजाज में उनके नाम पर जंगल का नाम मलाई रखा गया। यही नहीं, उन्हें भारत के साबिक सदर ने फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के एजाज से भी नवाजा। उनकी कहानी बताती है कि उन्होंने एक जंगल को कैसे बनाया जो अब जंगली जानवरों का घर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। ये रुख करेंगे खेल के मैदान का। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वेमेन लीग पेश से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शुरू हो चुकी है। खवातीन के लिए अपनी नौयत का पहला कौमी फेंसिंग मुकाबला 29 जुलाई तक 3 मरहलों में मुनक़िद होगा। इसमें 20 रियासतों की 300 से ज़्यादा खवातीन कैडेट्स जूनियर और सीनियर जुमरों में हिस्सा ले रही हैं। और दौलत मुश्तरका खेलों में शिरकत के लिए बर्मिंघम पहुंचने वाली भारतीय बॉक्सरों की टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। बर्मिंघम में मुकीम भारतीय शायकीन ने अपने महबूब खिलाड़ी को मुबारकबाद दी और उनकी हौसला अफजाई की। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज।
नासरीन खबरनामे में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़ जाते हैं कारगिल में वाक़ दराज में, जहां कारगिल दिवस के मौके पर मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने वाले बहादुरों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। देखते हैं इसकी कुछ खास झलक। अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे।